नाउ लेट सी व्हाट आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कौन से होते थे कि S1 और S2 दो शेड्यूल हैं। अगर S1 में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है उसका सेम ऑर्डर S2 में भी है और सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन के साथ होना चाहिए, कोई एक भी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, तो हम उसको बोलते थे कॉन्फ्लिक्टिंग इक्विवेलेंट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग सीरियलाइजेबल भी वही है, बस अंतर इतना है कि S1 और S2 में से कोई एक शेड्यूल सीरियल शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने जो एग्जांपल देखा था वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी था। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, अ शेड्यूल इज सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ इट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू सीरियल शेड्यूल। अगर S1 और S2 में से कोई एक सीरियल शेड्यूल है और S1 और S2 कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है, तो S1 हमारे पास एक शेड्यूल है, लेट से T1, T2 और S2 एक शेड्यूल है जिसमें T1 और T2 है। सारी इंस्ट्रक्शन पहले T1 की फिर T2 की, यहाँ पे क्या था, कुछ इंस्ट्रक्शन T1 फिर कुछ इंस्ट्रक्शन T2 फिर बची हुई इंस्ट्रक्शन T1 फिर बची हुई इंस्ट्रक्शन T2 और अब यहाँ पे हमने बोल दिया S1 इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S2 और क्योंकि S2 सीरियल शेड्यूल है, देखो यहाँ पे ये सीरियल शेड्यूल है तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज S1 एंड S2 आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ओके, तो लेट्स सी द एग्जांपल। लेट्स से वी हैव अ शेड्यूल S1 एंड S2। ये हमारे पास देखिए एक T1 चल रहा है, फिर T2 चल रहा है, फिर T1 चल रहा है और फिर T2। तो देखो T1, T2, T1, T2, तो ये तो नॉन सीरियल है। यहाँ पे ये पूरा T1 चला और फिर ये पूरा T2 चला, तो T1 और T2, तो ये क्या है, सीरियल शेड्यूल। पहली बात तो हमें ये समझ में आई कि दिस इज सीरियल शेड्यूल। ठीक है, अब अगर S1 और S2 कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हुए तो S1 और S2 कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी होंगे। तो देखो रीड पी के साथ तो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है नहीं, लेकिन रीड पी और राइट पी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है। ऐसे ही राइट पी रीड पी और राइट पी दोनों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है। पहले तो इन्हीं को चेक कर लेते हैं। तो यहां पे देखो रीड पी और राइट पी, तो ये और ये तो ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर सही है। अब ग्रीन वाला राइट पी, उसके बाद रीड पी और राइट पी, तो राइट पी उसके बाद रीड पी और राइट पी, तो यानी कि ये दोनों का ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। अब आगे क्या इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन होगा इसके साथ, नहीं, बिकॉज ये तो पी है, ये भी पी है और ये क्यू, डेटा आइटम डिफरेंट है, तो अगर डेटा आइटम डिफरेंट है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन कब होगा, जब डेटा आइटम सेम हो। ठीक है, तो इसमें और इसमें चेक करते हैं, बिकॉज यहां पे भी क्यू है और यहां पे भी क्यू है। ओके, सो सी दिस, रीड क्यू और राइट क्यू, रीड के साथ तो नहीं है बट राइट क्यू, ऐसे ही राइट क्यू रीड क्यू एंड राइट क्यू, ये हमारे पास तीन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है। तो यहां पे देखो रीड क्यू और राइट क्यू ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन सेम ऑर्डर में है। ऐसे ही इसका देखो राइट क्यू रीड क्यू एंड राइट क्यू, तो यानी कि सारे के सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन S1 और S2 में सेम है और S2 सीरियल शेड्यूल है, तो S1 इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S2 एंड S1 एंड S2 आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल।
नाउ वी हैव दीज थ्री शेड्यूल, वी हैव टू फाइंड कि क्या S1 S2 या S1 S3 या S2 S3 कोई भी इनमें से कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। देखो आपको ये पक्का पता है कि S2 और S3 सीरियल शेड्यूल्स हैं, क्यों? क्योंकि पहले T1 और फिर T2, यहाँ पे T2 और फिर T1 चल रहा है, तो ये दोनों क्या है? सीरियल शेड्यूल। और ये वाला नॉन सीरियल है क्योंकि कभी T1 फिर T2 फिर T1 फिर T2, ठीक है। तो अब S1 का S2 के साथ, S1 का S3 के साथ चेक करते हैं, तो लेट्स सी दिस। देखो यहाँ पे ये वाला हमारा ऑपरेशन सिर्फ इसके साथ में कॉन्फ्लिक्टिंग है, फिर ये वाला ऑपरेशन इसके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है और इसके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है, फिर ये वाला ऑपरेशन इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है क्योंकि रीड रीड है लेकिन इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। पहले इतने चेक करते हैं, S2 के साथ देखते हैं। तो रीड पी और राइट पी, ये तो ठीक है, रेड वाला, लेट से ग्रीन वाला, ये वाला चेक करते हैं। तो राइट पी के बाद रीड पी और राइट पी, ये भी ठीक है। ये ब्लू वाला चेक करते हैं, रीड क्यू उसके बाद में आना चाहिए राइट क्यू, यहां तक सारी बात ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये वाला रीड इसके साथ कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्यों? ये रीड क्यू है और ये राइट क्यू है, यहां पे ये रीड क्यू पहले, यहां पे रीड क्यू पहले है और यहां पे राइट रीड क्यू बाद में है, यहां पे राइट क्यू बाद में है, पहले है और यहां पे बाद में है। तो देखो ये ऐसे है, रीड टू ऑफ क्यू, टू मतलब ट्रांजेक्शन टू ऑफ क्यू एंड W1 ऑफ क्यू, पहले रीड फॉलोड बाय राइट, जबकि यहां पे राइट पहले हो रहा है, तो W1 ऑफ क्यू इज फॉलोड बाय रीड टू ऑफ क्यू। तो देखो ये क्या हो गया, S1 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S2, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑल्दो ये और ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं, बट एक कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हमें नॉट इन ऑर्डर मिल गया, तो ये हमारा क्या हुआ, नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। सीरियल तो है बट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट ही नहीं है, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं हो सकता। अब S1 का S3 के साथ चेक करते हैं, देखो P और ये P, ये वाला देखो, यहां पे रीड P और यहां पे राइट P, देखो ये क्या है, W2 ऑफ P ये पहले हुआ फॉलोड बाय R1 ऑफ P, वेयर एज यहां पे ये क्या है, रीड वन ऑफ पी फॉलोड बाय W2 ऑफ P, देखो ये दोनों डिफरेंट हैं। सो वी कैन से दैट S1 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S2, ठीक है। अब S2 और S3 भी चेक कर लो, देखो यहां पे क्या है, ये यहीं से चेक हो जाएगा, यही वाली प्रॉब्लम है, रीड पी और राइट पी और राइट पी और रीड पी, देखो यहां पे भी रीड वन ऑफ पी गिव्स फॉलोड बाय W2 ऑफ पी, वेयर एज यहां पे ये है, तो S2 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S3, सो यहां पे कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग इक्विवेलेंट नहीं मिला, सो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक नोट लिख लेते हैं, नोट इज अ शेड्यूल दैट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल मस्ट एंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस, ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो उसको कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस हमेशा मेंटेन करनी पड़ेगी, मतलब रिजल्ट दोनों में सेम आने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट दोनों के डिफरेंट हो जाए। तो एक टॉपिक बहुत छोटा सा है, टेस्ट फॉर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी यूजिंग प्रेसिडेंस ग्राफ। देखो ये क्या चीज है, अभी हमने यहां पे डायरेक्टली किया है जो हमने कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस देख के किया है और फिर हमने पता लगाया, लेकिन प्रेसिडेंस ग्राफ से कैसे करेंगे? तो लेट से मैं इस शेड्यूल को बोल देता हूं 1 और इस वाले एग्जाम्पल को बोल देता हूं 2, ठीक है। अब इन दोनों एग्जाम्पल के ऊपर हम ये पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद इसको चला के देखेंगे। तो प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे बनेगा, पहले ये चेक करिए, कंस्ट्रक्ट
अ डायरेक्टेड ग्राफ वेयर ईच वर्टेक्स करस्पॉन्ड्स टू अ ट्रांजेक्शन. हर एक वर्टेक्स के लिए हम एक ट्रांजेक्शन बनाएंगे एंड ईच डायरेक्टेड एज, डायरेक्टेड मतलब एरो के साथ, डायरेक्टेड एज रिप्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन. ठीक है, जैसे लेट से टी वन और टी टू दो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, और टी वन से टी टू में कॉन्फ्लिक्ट है तो हम इस तरह से एज बना देंगे. अगर टी टू से टी वन में भी कॉन्फ्लिक्ट है तो इस तरह से एज बना देंगे. ठीक है, टी टू से टी टू में कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता, टी वन से टी वन में कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता. आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं बट विद इन ट्रांजेक्शन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. ओके, दूसरा पॉइंट है, इफ द ग्राफ फॉर्म्ड कंटेन्स साइकिल देन द स्केड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, अदरवाइज इट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. अगर हमारे ग्राफ में साइकिल बनी, जैसे इस ग्राफ में साइकिल बन रही, ये अभी हमने जनरल एग्जाम्पल लिया है, ये ग्राफ में साइकिल है, तो क्या कह सकते हैं हम कि ये ग्राफ, ये कभी भी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, लेकिन दूसरा हो सकता है. ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास में लेट से एग्जाम्पल ये वाला है. अब ये सीरियल शेड्यूल गिवन था, लेट से ये गिवन है ही नहीं, सिर्फ ये गिवन है, हमें बताना है कि वेदर S1 इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. तो कैसे पता लगाएंगे, ये हमारे पास पिक्चर में है ही नहीं अब. ओके, तो कैसे पता लगाएंगे, देखो इसका ग्राफ बनाते हैं. ये T1 और ये T2 दो ट्रांजेक्शन है, तो दो ट्रांजेक्शन के लिए हमने दो वर्टेसेस ले ली. अब यहां पे R मतलब रीड P और राइट P, ये पे क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट. तो हमने T1 से T2 में कॉन्फ्लिक्ट किया, तो ये हमने एक एज बना दी. ऐसे ही लेट से राइट P और रीड P या राइट P, ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो T1 से T2 में एज ऑलरेडी है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है. नाउ सी दिस, क्या इधर से कोई इधर कॉन्फ्लिक्ट है, क्या मैं ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कह रहा हूं, नहीं, बिकॉज ये P है और ये Q है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. फिर ऐसे ही लेट से दूसरा चीज, R और W में इसमें कॉन्फ्लिक्ट है या इसमें और इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, तो अगेन T1 से T2 में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो ये एज ऑलरेडी है, तो क्या इसमें कोई साइकिल बनी, नहीं. सो S1 इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी. S1 इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का हमें अगर वो ये पूछता है कि वॉट इज द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, तो हम बोल सकते हैं T1, क्योंकि देखो T1 से पहले कुछ होना चाहिए क्या, नहीं, T1 इज द फर्स्ट वन, और T2 से पहले ये एज है, तो T2 से पहले T1 होना चाहिए, तो T1 फॉलोड बाय T2, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल. तो देखो यहां पे T1 पहले और फिर T2 बाद में. ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखो, यहां पे ये वाला शेड्यूल गिवन है, लेट से ये भी गिवन नहीं है और ये भी गिवन नहीं है, तो क्या करें, अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये T1 और ये T2. देखो यहां पे फिर से ये एक एज आ रही है, T1 से T2 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये, या फिर ये भी कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट है, बट कितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो T1 से T2 में एक ही एज बनाएंगे हम, ये एज बन गई. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रीड और ये राइट, ये भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो T2 से T1 में भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो ये भी एज बना दी. ओके, अब आप कहोगे कि ये भी तो कॉन्फ्लिक्ट है, तो T1 से T1 की एज ऑलरेडी पहले से बनी हुई तो है, अब यहां पे बन गई है हमारे पास साइकिल. देखो ये एक इधर से चले और इधर वापस आ गई, ये साइकिल बन गई, सो दैट्स वाई S1 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. ओके, ये सीरियलाइजेबल नहीं है. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस. लेट से द क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर इज, लेट से दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कॉन्करेंट शेड्यूल गिवन बिलो. हमारे पास ये शेड्यूल गिवन है,
तो सबसे पहले तो इस शेड्यूल को हम अपने एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो 2, 3, 1, 2, 2, 4 यानी कि 4 ट्रांजेक्शन्स हुई इसके अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ रीड्स राइट में 4 आ रहा है। तो T1, T2, T3, T4 ये 2 है, तो यानी कि सबसे पहले रीड ए, फिर ये 3 में राइट ए, फिर 1 में राइट बी, फिर 2 में रीड बी, फिर 2 में ही राइट सी, 4 में रीड ए, और फिर लास्ट में रीड बी, ठीक है। ये हमने अपना शेड्यूल लिख लिया। अब लेट्स सी हाउ मेनी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस। तो T1, T2, लेट्स से T3 एंड T4, जितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस उतनी वर्टिसेस, यही बताया था प्रेसिडेंस ग्राफ में। अब देखो RA इसके साथ में कौन सा शेड्यूल कॉन्फ्लिक्टिंग है। देखो यहां पे ये ट्रांजेक्शन कॉन्फ्लिक्टिंग है, कौन सा ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्टिंग है, ये है A और A, रीड के बाद राइट। तो T2 से T3 में एक एच बना दी। फिर और कौन सा हो सकता है, देखो यहां पे क्या ये रीड और ये रीड कॉन्फ्लिक्टिंग है, नहीं, रीड रीड कॉन्फ्लिक्टिंग होता ही नहीं है, राइट के साथ होता है। क्या ये और ये कॉन्फ्लिक्टिंग है, नहीं, बिकॉज ये ए है और ये बी है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग है ही नहीं। तो अब T2 के साथ कोई और कॉन्फ्लिक्टिंग हमें यहां पे अभी नहीं दिख रहा है। T3 के साथ देखो ये राइट है और ये रीड है, सो हियर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। ये ऑर्डर में कॉन्फ्लिक्ट है, इनके बीच में कुछ और आ रहा है, ये सब चीजें आ रही हैं, डजंट मैटर, ये सब चीजें आ रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, ठीक है। बट राइट के बाद यहां पे रीड हो रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग है, ओके। सो T3 से T4 की एक एज बनेगी, ये हमारी एज बन गई। नाउ व्हाट आर अदर कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके। सो दिस राइट एंड रीड, देखो इस राइट के बाद यहां पे रीड हो रहा है, सो T1 एंड T2 इन दोनों के बीच में एज है, T1 से T2 की तरफ, ये नहीं, सॉरी फॉर दिस, T1 से T2 की तरफ ये एक एज बन गई है, ओके। और ये वाला राइट, ये वाला रीड भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, देखो ये भी बी है और ये भी बी है, तो यहां पे ये कॉन्फ्लिक्टिंग हुई, यानी कि T1 से T4 की एज ये भी आएगी, T1 से T4 की एज। Do we have any more conflicts? देखो ये रीड और ये रीड कोई कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, ये सी राइट वाला कॉन्फ्लिक्टिंग होता अगर कहीं पे रीड या राइट और कहीं होता, बट सी के ऊपर कहीं और रीड राइट है ही नहीं, तो कोई कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। तो दिस इज द ओनली ग्राफ वी हैव गॉट, ओके। नाउ सी दिस, डू वी हैव साइक्लियर, नो। देखो T1 से T2 पे गए, T2 से T3, T3 से T4, बट T4 से T1 नहीं जा सकते, बिकॉज ये इधर से ऐसे है ना कि उल्टा, अगर ऐसे ऐसे होती तो हम बोलते हैं कि साइकिल है, बट अभी साइकिल नहीं है, ओके। तो साइकिल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, S इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, पहली चीज। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर, ऑर्डर बताओ। तो देखो यहां पे T2 से पहले T1 होना चाहिए, T3 से पहले T2 होना चाहिए, T4 से पहले T1 होना चाहिए, क्या T1 से पहले कुछ और होना चाहिए, नहीं, तो T1 सबसे पहले आएगा, फिर T1 के बाद हम T2 को कर सकते हैं। देखो T2 कैन बी डन एज सून एज T1 इज डन, सो T2, T3 कैन बी डन एज सून एज T2 इज डन, सो हम यहां पे T3, और T4 कैन बी डन एज सून एज T1 एंड T3 बोथ आर डन, सो T4। सो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ऑर्डर, दिस इज द आंसर, ओके। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट, लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ऑर्डर फॉर द बिलो सीरियलाइजेबल शेड्यूल। हमें पहले से ही उसने बोल दिया कि ये शेड्यूल क्या है, सीरियलाइजेबल। तो अगर आप कहीं अपने प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल ढूंढो और वो मिल जाए, तो आपने यानी कि ग्राफ गलत बनाया, बिकॉज उसने पहले ही बोल दिया कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, तो आंसर ए तो कभी भी नहीं हो सकता कि नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ओके। तो बाकी तीन में से अब आंसर ढूंढना है। तो सबसे पहले हम इस शेड्यूल को अपनी टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे आपको ऑलरेडी पता है, हमारे पास यहाँ पे
फोर भी है नंबर, तो यानी कि ट्रांजेक्शन फोर होंगी, 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास चार ट्रांजेक्शन हैं। अब चार ट्रांजेक्शन में सबसे पहले फोर के अंदर रीड, फिर टू के अंदर रीड, थ्री के अंदर रीड, फिर वन के अंदर राइट, ठीक है, ये है बी, यहां तक हो गया। फिर डब्ल्यू टू ए, यानी कि यहां पे राइट ए, फिर थ्री में रीड बी, और फिर टू में राइट बी, ये हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हैं। ओके, नाउ से जितनी ट्रांजेक्शन्स उतने वर्टेसेस बनेंगी, तो हमने टी वन, टी टू, टी थ्री एंड टी फोर चार वर्टेसेस बना ली। अब देखते हैं कि कहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो रीड ए का कॉन्फ्लिक्ट इस राइट ए के साथ हो सकता है, रीड के साथ तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है, तो रीड ए कॉन्फ्लिक्टिंग विद राइट ए, तो टी फोर से टी टू की तरफ एज है, टी फोर से टी टू। ओके, ऐसे ही इस रीड का भी इस राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो यानी कि टी थ्री से भी टी टू की तरफ एज है, यानी कि ये भी एज हो गई। ओके, नाउ कैन वी से दैट दिस टी टू इज हैविंग कॉन्फ्लिक्ट विद दिस डब्ल्यू ए, ये तो सेम ही ट्रांजेक्शन में है ना, तो यानी कि सेल्फ एज तो बनानी ही नहीं है, सेल्फ एज नहीं हो सकती। ओके, सेल्फ एज नहीं होगी, सेम ट्रांजेक्शन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। ओके, नाउ दिस डब्ल्यू बी इज हैविंग कॉन्फ्लिक्ट विद दिस डब्ल्यू बी, देखो राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट, तो टी वन से टी टू के लिए एक एज आ गई। This read is before this write, तो ये भी एक conflict है, और T3 से पहले और T2 बाद में, तो T3 से T2 में, ये तो हम already बना चुके हैं, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। Okay, do we have any more conflicts? Okay, so this W write on B और this read B, तो देखो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये पहले हो रहा है, ये बाद में हो रहा है, सो T1 से T3 की भी एक एज बनेगी। सो दीज आर द ऑल एजेस, आई थिंक ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स वी हैव ड्रॉन। नाउ इन दिस ग्राफ डू वी हैव साइकिल, नो नो साइकिल, सो साइकिल अगर नहीं बनी है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो है। ओके, बट वॉट इज द ऑर्डर, सी दिस, कैन वी डू टी टू बिफोर, देखो यहां पे तीन हमें गिवन है, इन तीन में से ढूंढना है, क्योंकि एक से ज्यादा ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। सो कैन वी डू टी थ्री फर्स्ट, देखो टी थ्री पहले करने से पहले, उससे पहले टी वन खत्म हो जाना चाहिए, ये देखो टी थ्री से पहले ये एज क्या है, टी वन से टी थ्री की तरफ है, तो पहले टी वन होना चाहिए, सो टी वन पहले होना चाहिए, T3 can not be the first one, so this is not our answer. T2, T2 से पहले T1, क्योंकि ये एज है, T4 ये एज है, और T3 ये एज है, तो T2 से पहले ये तीनों खत्म हो जाने चाहिए, so this can not be answer. तो बचा एक, यही आंसर हो सकता है, बट लेट्स सी ये क्या सही है। देखो T1 से पहले कुछ और खत्म होना चाहिए, नहीं, बिकॉज इससे केवल आउटगोइंग एजेस हैं, इनकमिंग एजेस नहीं है, सो T1 कैन बी फर्स्ट वन। T1 के बाद T4, देखो T4 कैन बी नेक्स्ट वन, आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले T4 क्यों फिर T1, बिकॉज T4 इज ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। ओके, बट दिस इज नॉट अवेलेबल इन ऑप्शन, सो लेट्स नॉट डू दिस। T1, T4, और उसके बाद T1 के बाद T3 आप कर सकते हो, T2 नहीं कर सकते जब तक T3 नहीं हो, तो T2 एंड देन, सॉरी T3 एंड देन T2, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्वेश्चंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल सी व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल, अभी हमने देखा है कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्यू इक्विवेलेंट एंड व्यू सीरियलाइजेबल। ओके, थैंक यू।